بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखने वाले ताज़ीर हजरात और दर्द मन दिल रखने वाली मेरी अपनी माओ और बहनों आज इस वक्त आपके सामने एक अहम मसले को बयान करने की खातिर या एक गुजारिश आप सभी की खिदमत रखने की खातिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ यकीन कीजिए काफ़ी लंबी मुद्दत से काफ़ी दिनों से इस मसले पर तरद का शिकार रहा कि इस मसले पर बोलना चाहिए कि नहीं वीडियो की शक्ल में इस तरह सोशल मीडिया पर इस मौदू को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए पसो पेश में था इसलिए कि इसके फ़ायदे भी हैं तो वहीं कहीं ना कहीं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं लेकिन जितनी मैं अपने आप पर अपने हालात पर गौर करता जा रहा था और जितना मुझे नज़र आ रहा था देखते देखते आज उस मुकाम पर पहुँच कर दिल इसी फ़ैसले पर राज़ी हुआ है कि इस मसले को आवाम के सामने यानी उम्मत के अफराद के सामने लाना ज़रूरी है ताकि वो अपना किरदार अदा कर सकें मैंने आप हद्रात के सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा का टुकड़ा पढ़कर सुनाया है इस आयत में अल्लाह तबारक ने एक नबी की ज़बानी या अल्फाज नक़ल किए कहा इन उरीदात मैं अपनी इस्तात भर सिर्फ इसलाह करना चाहता हूं वमा तोफ़ी अला बिल्ला अब अल्लाह ही तौफ़ी का मालिक है अलही तोल तो वहीब उसी पर मैं भरोसा करता हूं और उसी की तरफ अपने सारे मामलों में मैं लौटता हूँ हाजी ने ग्रामी मैं जिस मसले पर बात करना चाहता हूँ वह मसला है मदारस के और खुदाम और मसाजिद के आइमा मज़िमीन और खुदाम की तनख्वाहों का मसला उनकी अपनी रोजी रोटी का मसला लॉकडाउन की ये मुद्दत दराज से दराज होती जा रही है काम ठप पड़ा हुआ है लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़े हुए इस वक्त यकीनन मैं जब बात करने जा रहा हूं, मैं इस वक्त अस्तदा और आइमा के सिर्फ बात कर रहा हूं, लेकिन इब्तदा ही में इस मसले को साफ कर दूं कि इस वक्त जिस किसी पर भी माश के बाब में जरब पड़ी है जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी मदद करना उसके साथ खड़े होना उसे सहारा देना और इस मुश्किल से एक दूसरे का हाथ थाम कर निकलना यह हमारी समाजी और मिली जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुश्किल से निकलें लेकिन मैं खास तौर पर इस मदारिस के छोटे से बड़े इदारों के हों या फिर मसाजिद के चाहे वह शहरों की मस्जिदों हों या करियों और कस्बों की मस्ाजिद उनकी सूरत हाल आपके सामने रखना चाहता हूँ वजह ये है कि एक ऐसा तबका है कि जिनकी आवाज़ आम तौर पर सोशल मीडिया पे नहीं आ पाती है। या यूं कहिए कि उतने अंदाज़ में लोगों को उनकी मुश्किलों का अंदाज़ा नहीं हो पाता है जिस क़दर मुश्किल से वो लोग गुजर रहे हैं मैं अजाफ़रत और ख़वान के सामने इसी सूरत हाल को रखना चाहता हूँ गुफ्तु में मदारस के तनादुर में ज़्यादा करूँगा लेकिन यही मसाइल मसाजिद के अम्मा के भी हैं इन दोनों के मसाइल को आप जोड़ कर देखें आप ये मसला याद रखें कि इनकी मसाजिद की जिम्मेदारी बाहर एक कमेटी करती है कुछ अफराद करते हैं मदारिस की जिम्मेदारी और मसाजिद की जिम्मेदारी दोनों की कमेटियां या ज़िम्मेदार अफराद चंद होते हैं लेकिन बिलवास तौर पर यह कौम मिलत के इदारे होते हैं कौम तो मिलत के अफराद इनसे मुस्फ़ी होते हैं और कौम तो मिल्लत के अफरा ही कही कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार होते हैं ये सबसे बुनियादी हकीकत है जिसको हम और आपको याद रखना चाहिए यकीन मामला करने वाली कमेटी होती है मस्जिद के अंदर भी मदरसे के अंदर भी लेकिन यह दरमियान में है इस तरफ कौम है इस तरफ ये तलबा या अइम् है ये दरमियान की कमेटियां हैं कौम के मुतालबात ये कमेटियां अस्त और अयमा से पूरे करवाती है उनकी जरूरतें यह पूरी करवाती है तो वहीं ये भी मसला है कि इन कमेटियों की यह भी जिम्मेदारी है कि इन उसा और अइम्मा की जिम्मेदारी कौम के सामने लेकर जाए उनके मसाइल कौम के सामने लेकर जाए ताकि उनके मसाइल का हल तलाश किया जा सके ये जिम्मेदार दरमियान में है म की जरूरतों को पूरा करवाने के लिए आना और उनसे मतलूबा काम करवाना इनकी जिम्मेदारी है तो इनके मसाइल हल करवाने के लिए कौम तक जाना और कौम के जरिए इनके मसाइल हल कराने की फिक्र करना ये इस जिम्मेदार कमेटी की जिम्मेदारी है और दूसरे अल्फाज में आप यूं भी कहें यू भी समझें कि हमारे और आपके समाज में यह जिम्मेदारी सिर्फ कमेटियों की नहीं कमेटियों से आगे बढ़कर समाज की जिम्मेदारी है समाज के अहले सरवत की जिम्मेदारी है सब कौम मिल्लत के आमायदीन की जिम्मेदारी है दिले दर्दमंद रखने वाले ताजर हज़रत की जिम्मेदारी है और उन ख़वातीन की है उन मर्दों की है जिनके दिल में अल्लाह ने गुंजाइश रखी है जिनके अल्लाह तला ने जेब में गुंजाइश रखी है मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहता कि लोग ये भी कहेंगे कि मदारिस या मसाजिद के आइमा को सिर्फ तदरीस और इमामत में नहीं जुड़ना चाहिए उनको कोई अपना ज़रिए माश भी रखना चाहिए एक अलग मौजू है उस पर कभी बात हो सकती है मैं इस पहलू पर भी नहीं जाऊँगा कि जो है इस सिलसिले में कौन कितना क्या जिम्मेदार है मैं सिर्फ सूरत हाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कई मदारस ऐसे हैं और वहीं मसाजिद में भी कई मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ अस्त और इमामों को लॉकडाउन की शुरुआत से आज तक तनख्वाह नहीं मिली है आपको मालूम होना चाहिए ये इसदा और ये आइमा ये मज़िमीन ये मस्जिदों और मदरसों के खादि हजरात ये पूरी तरह सिर्फ मदरसे और मस्जिद की तनख्वाह पर डिपेंड हुआ करते हैं इनका दारो मदार उसी पर होता है ऐसी सूरत हाल में लॉकडाउन की शुरुआत से अगर उनको रोजी रोटी के लिए उनकी तनख्वाह नहीं मिली है एहसान की बात नहीं कर रहे हैं हक की बात कर रहे है, उनको हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं कई मदारिस ऐसे हैं कई मस्जिदें ऐसे हैं जहां आसातिदा के अस्तदा और अइमा के सिलसिले में ये पता चला कि इब्तिदाई दो महीनों तक तो उनको तनख्वाह दी गई या एक महीने तक तनख्वाह दी गई लेकिन उसके बाद उनकी तनख्वाह रोक दी गई है कई मदारिस और मसाजिद के सिलसिले में ये सुनने को मिला कि लोगों ने यह किया है कि आधी तनख्वाह दे रहे हैं यानी जिस पर इत्तिफाक है मुआहदा है जिस तनख्वाह पे वो काम करते रहे हैं उस तनख्वाह में आधी तनख्वाह दी जा रही है आधी तनख्वाह का मतलब आपको लगता होगा बहुत मिलता है नहीं मदारिस के, के तनख्वा है अच्छे इदारे अगर हैं तो पंद्रह हजार दस हजार या उससे ऊपर बीस हजार कदी मस्दा हो सकता है और बेहतर भी हो मसाजिद के इमा की तनख्वाहें कुछ अच्छी हैं तो दस पंद्रह हजार वरना दस से नीचे उनकी तनख्वाहें हुआ करती हैं इसमें से आधी तनख्वाह का मतलब आप तस्वूर तो कीजिए कि उनके घर कैसे चलेंगे बीमारी आपके घर नहीं उनके घर भी आ रही है रोजी रोटी का मसला आप ही का नहीं उनके घर भी आ रहे आधी तनख्वाहें उनको दी जा रही इनका मसला है और इस सब से आगे बढ़कर एक बड़ा मसला बड़ा ही नाजुक मसला यह है कि मसाजिद के जिम्मेदार चाहते हैं मदारस के जिम्मेदार चाहते हैं कि ये इस ये आइमा ये खुदाम ये मोजनीन ये इदारों के साथ जुड़े हुए अफराद तनख्वाहों के न मिलने की या फिर तनख्वाह कम मिलने की या रुक जाने की खबर बाहर न दें इदारे की इज्जत चली जाएगी मस्जिद की कमेटी का वक़ार मज़रू हो जाएगा फुला हो जाएगा सब हो जाएगा सच है किसी भी इदारे के वक़ार का मुतासर होना बहुत बड़ा नुकसान है किसी भी मस्जिद के एतबार का खत्म होना एक बहुत बड़ा मसला है लेकिन क्या ये मसला दो तरफा नहीं है कि एक तरफ आपका वक़ार है आपकी पहचान है और दूसरी तरफ उसका पेट है उसके बिलकते बच्चे हैं आदमी कब तक आपके वक़ार की जद पर रहेगा कब तक आपकी एबार जो समाज में आपका कायम है उसे कायम रखने की मार झेलता रहेगा कब तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करता रहेगा मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूँ बहुत सारी बातें हैं मैं तफसील में जाना नहीं चाहता मैं ये बात आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला हो रहा है इस मामले के ताल्लुक से कई पहलू गौर तलब है जो हमें एक कौम की हैसियत से एक उम्मत की एक इज्तिमाहीमेदारी की हैसियत से हमें है। इस मसले को देखने की ज़रूरत है मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मदारस के जिम्मेदारों पर लान तान कर रहे हैं बहुत सारे लोग मसाजिद के जिम्मेदारों पर लान तान कर रहे हैं बहुत सारे लोग मौलवियों को आइमा ही को कर रहे हैं कि ये बहुत सस्ते हो गए इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है ये अगर अपने हक के लिए लड़ना जानते तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं याद रखें अगर बात सिर्फ तब्सरें करने से हल हो जाती तो 10 तब्सरें आप करते 10 मैं करता हम दोनों के 10 20 तब्सरों तब, तब, से किसी के घर का चूल्हा जल जाता तो बहुत बड़ी बात थी लेकिन तब्सरों से किसी के घर में अनाज नहीं आने वाला हम सब इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें ताकि इस मुश्किल घड़ी में इस मसले को हल किया जा सके मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मौके पर मसाजिद और जो मदारिस हैं वो कई किस्म के हैं सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मदारिस में से एक बड़ी तादाद ऐसी है कि जिनका दारो मदार ज्यादातर चंदों पर है सत्तर फीसद चंदे नब्बे फीसद चंदा बाज़ इधारे पचास फीसद चंदा बहुत कम इदारे हैं जिनकी आ, दार, जिनका दारो मदार पचास फीसद से कम चंदों पर होता हो वरना पचास फीसद से ज्यादा उनका दारो मदार चंदों पर होता है और अब की बार दाखिली सतह पर भी कोरोना की मार की वजह से यूं समझिए कि मदारिस को चंदा ठीक से नहीं मिल सका मिला है ऐसा नहीं कि नहीं मिला है लेकिन उतना नहीं जितना हर साल होता है और दूसरी तरफ यह भी है कि बाहरी चंदों के आने का जो सिलसिला होता था सफर बंद है तो बाहर से भी कोई चंदे उंदे की कोई बात नहीं है यह सूरत हाल आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं जिसकी वजह से बाज़ मदारिस के अंदर वाकई ये सूरत हाल है और शख्सी तौर पर हमें अंदाजा है ऐसे बाज़ मदारिस का कि जिन मदारिस के अंदर यह मामला है कि वो लोग देने वाला दिल रखते हैं बाज मदारिस देने वाला दिल रखते हैं लेकिन उनकी जेब दिन ब दिन तंग से तंग होती जा रही है वो फिक्रमंद हैं कि कहां से देने की कोशिश करेंगे कुछ मदारिस ऐसे हैं और हो सकते हैं खासतौर पे जो मदारिस जरा नस्बता छोटे हैं जिनका दारो मदार सौ फीसद चंदों पर होता है अब की बार चंदा बिल्कुल नहीं हो सका है उनके सामने है परेशानी लेकिन वहीं ये भी एक सच्चाई है कि बाज मदारसाजिद के जिम्मेदारों का जहन इस मामले में साफ नहीं मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता लेकिन अल्लाह के लिए इतना तो मैं कह सकता हूँ अपने भाइयों अपनी बहनों अपने मुतालिकीन के साथ खैर का ही का तकाजा है खुद ऐसे जिम्मेदारों के साथ खैर का ही का तकाजा है कि ये जहन अच्छा जहन नहीं है इनकी सोच ही कुछ अलग है वो ये सोचते हैं मदारिस की जो उन्होंने तनख्वाहें दी या देने के बाद वो ये सोचते हैं कि जब इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा है मसाजिदे बंद हैं इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा है तो तनख्वाह क्यों दी जाए मदरसे में तालीम का सिलसिला जारी नहीं है अब उसताज पढ़ा रहा है तो क्यों दिया उस नहीं पढ़ा रहा है तो उसको तनख्वाह क्यों दी जाए इस हुज्जत और दलील की बुनियाद पर कहते हैं हम तनख्वाह नहीं देंगे या तनख्वाह आधी देंगे ये सारी बातें याद रखें ये बात शर् लिहाज से आपको यह मसला सबसे पहले देखना चाहिए शरण सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपका मुआहदा इस पर नहीं है कि वो कितना पढ़ाता है कितना नहीं पढ़ाता है शरहान उसका मुआहदा इस जिम्मेदारी से वाबस्ता है कि उसने अपने आप को आपके इदारे के लिए वक्फ कर लिया है उसने अपने आप को आपके इदारे के लिए वक्फ कर लिया है उस इमाम ने अपने आप को आपकी मस्जिद की इमामत से बांध लिया है अब अचानक लॉकडाउन में वो कोई नया जरिए माश तलाश नहीं कर सकता आपने आम दिनों में बल्कि सारा साल से दस दस साल से पंद्रह साल से पांच साल से या कम से कम एक साल से आपने चौबीसों घंटों के लिए जब इस आदमी को बांध कर रखा है और आज आप अचानक कहते हैं कि काम नहीं है इसलिए अचानक तुम चले जाओ ये जुल्म नहीं तो और क्या है यह कोई दलील नहीं शरण इसकी गुंजाइश नहीं निकलती आपके लिए और कानूनन भी इसकी इजाजत नहीं निकलती हुकूमत ने बारह इस किस्म की हिदायत जारी की है कि तनख्वाहें न रोकी जाए तनख्वाहों में कटौती न की जाए ये बात हुकूमत ने जारी की आप इस मसले को इदारे का मफाद न तस्वूर करें कि आप तनख्वाह रोक लें तो ये इदारे के मफाद में है नहीं आप ऐसे मुश्किल वक्त में अपने असादा के साथ खड़े हो कल ये असाति आपके साथ खड़े होंगे अब मान लें जरी देर के लिए कि यहातीदा आपके साथ नहीं भी खड़े हो तो ये कोई तबादले का मामला नहीं कि कल खड़े हो आज जब उन्होंने अपने आप को आपके इदारे के साथ बांध लिया है उस मुआहदे की रूह से आप उसे देने के पाबंद हैं अगर इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं कि आप कह रहे हैं काम नहीं हो रहा है तो यह बूदी दलील है अलेम से इस्तीफार करें अलेम से इस सिलसिले में रुजू करें हां अगर आपके पास सरे से पैसा ना हो तो फिर आपका शुमार पहली किस्म के मदरसों में होगा लेकिन अगर अल्लाह ने आपके पास दिया है और बहुत सारे लोगों को इसी पर इस्तीफ़ार है इसी पर सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि तो अभी तो साल भर का चंदा इकट्ठा आ जाता है या थोड़ा भी अगर आया है रमजान में अगर चंदे थोड़े भी आए हैं तो रमजान के फौरी बात तो तनख्वाहें दी जा सकती थी ऐसा क्या हुआ कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये जो सूरत है हाल है ये बहुत ही अहम है और तीसरा एक सूरत हाल हमने देखी और वह बहुत ज्यादा तकलीफ दे थी बाज मदारिस या बाज़ मसाजिद के जिम्मेदारों से मुतल बात सुनने में ये आई कि उनके पास अल्लाह का दिया हुआ है यानी बजट भी है सब कुछ है लेकिन उनकी सोच ये है फला इदारे वाले नहीं दे रहे इसलिए हम भी अपने इदारे में नहीं देंगे फलां तनख्वाहों में कटौती की है इसलिए हम भी कटौती करेंगे फला लोग अपनी मस्जिद के इमाम को नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दे रहे हैं सुबहानल्ला ये क्या तरीका क्या आपके लिए वो लोग नमूना है जो खुद गलत कर रहे हैं वो आपके लिए नमूना है आपको देखना ही था तो आपने दूसरी किस्म को क्यों नहीं देखा जो आखिरी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने माते तीन को तनखा देते रहेंगे क्यों नहीं किया आपने? उनको क्यों नहीं देखा आपको देखना था शरीयत इस्लामिया के जवाबित की रोशनी में देखते कि आपने जिनको उजरत पे रखा है काम के लिए वह तैयार है काम आपके पास नहीं है तो ऐसी सूरत में शरीयत उसकी क्या रास्ते बताती ऐसा कोई हल आप निकालते बहुत सारे इदारों ने तो जवाब देने का भी इरादा नहीं किया इसलिए कि पता है एक मरतबा ये इस हाथ से निकल जाएंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे इसलिए बांधे रखना भी चाहते हैं तनख्वाहें पूरी देना भी नहीं चाहते आपने शरीयत को क्यों नहीं देखा आपने मुल्क में जो कानूनी इदारों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से जो हिदायात जारी की जा रही है कि तनख्वाहों को ना देखो तनख्वाहों को ना रोको इसकी तरफ क्यों नहीं देखा आपने आपने इस बात की तरफ क्यों नहीं देखा कि यह आदमी जरूरतमंद है इस आदमी की मदद करना आपकी जिम्मेदारी है और मदद नहीं यह उसका हक है यह उसका हक है उसका हक उसे देने के सिलसिले में यह तरद है आपने बैसियत मुसलमान अपने आप को उसकी जगह रखकर क्यों नहीं देखा आपने अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखें और मामला वो करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको यह नहीं सिखाया इन्हीं मस्जिदों के मेंबरों से क्या आप और हम ये बात सुनते सुनाते नहीं इन्हीं मदारिस की मसंदों से क्या यह बात हम और आप सुनते सुनाते नहीं कि मोमिन उस वक्त तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है नबी सलाम की यह हदीस हमारे में नहीं है कि नबी सला ने कहा कि जो आदमी कियामत के करीब फितरों से महफूज ईमान की मौत मरना चाहता है तो लोगों के साथ वो सलूक करे जो सलूक वो अपने लिए पसंद करता है आपने ये देखा कि फुला इदारा नहीं देता है ये कोई दलील है आपके लिए बात आज और जरा अल्फ़ाज़ में कहना चाहता हूं याद रखिए, आपने को एक तयशुदा वक्त के लिए एक तयशुदा जिम्मेदारी के लिए मुतिन किया है अब अगर वह अपने आप को जिम्मेदारी के लिए फारिग करके बैठे हुए हैं तो फिर उनकी तनख्वाहों की जिम्मेदारी आप पर है पहली किस्म के जो मदारिस हैं जिनके पास तनख्वाह नहीं है उनकी भी ये जिम्मेदारी है याद रखें इस मसले को कि आपने जब जिम्मेदारी ली है तो आप चंदा करते हैं लोगों के पास जाते हैं अहले खैर के पास ताउन की दरख्वास्त करते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी से ज्यादा चंदा मिल गया ताउन मिल गया तो आपने इस तनख्वाहें बढ़ा दी हो हमने कभी किसी मस्जिद में कभी किसी मदरसे में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी कि किसी महीने किस ताउन ज्यादा आ गया तो आपने अपने साथिदा को तनख्वाहें बढ़ा कर दे दी हो जब बढ़तने की सूरत में आपने बढ़ाकर नहीं दिया है तो घटने की सूरत में घटाने का जवाब कहां से निकालते हैं आप? आपने जिम्मेदारी ली है जिम्मेदारी इसी का नाम है ठीक ठीक चंदा आता हो आप देते हो तो यह सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है आपने जिम्मेदारी ली है तो आप अपने तौर पर अंथक मेहनत करें अंथक कोशिश करें और आखिरी हद तक अपने मातहत लोगों की उजरत या उनकी आ, उनकी तनख्वाह का इंतजाम करने के आप पाबंद हैं प्यारे नबी वसल्लम की हदीसें अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से इब्ने माजा की रिवायत में अल्फाज आपने भी पढ़े सुने सब ने सुने नबीसरा सलाम ने यह बात बयान फरमाई उजरत पर काम करने वाले इंसान की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दो आपके पास उर्फ में जो एतबार है साल की एक मुतन तारीख होती उस तारीख के आने से पहले पहले उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए ठीक है कभी मुश्किल है तो आप थोड़ी बहुत कोशिश कीजिए ठीक है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास गुंजाइश हो आप अपनी अपनी नई नई तावीलात लाएं और नई तावीलात की बुनियाद पर उसकी उजरत रोकने की बात करें उसका हक है ये ये उसका अपना हक है उसको हक मिलना चाहिए ये कैसे हो सकता है कि उस बंदे को उसका हक ना मिले मैं सबसे पहली गुजारिश मदारिस और मसाजिद के जिम्मेदारान से करना चाहता हूं अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा की आप यकीन माने अजर के मामले में आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं मदारी से जितने तलबा पढ़कर जा रहे हैं खिदमत कर रहे हैं उनकी मेहनतों का सिला अल्लाह ताला उनके साथ साथ आपके हक में भी लिख रहा है आपने अजर भी खूब कमाया बहुत बड़ा फजीलत वाला काम आप कर रहे हैं और मैं ये बात कहना चाहूंगा दुनिया माने न माने आपका कारनामा इंसानियत की खिदमत के बाद में सुनहरे हरूफों में हरूफ में लिखा जाएगा कि आपने ऐसे मुश्किल दौर में इतनी मुश्किल जिम्मेदारी निभाई है अंदाजा है हमें इस बात का कि मदारिस चंदा करके चलाना आज कितना मुश्किल काम है हो सकता है कुछ गलत किस्म के लोग होंगे चंदाखोर चंदा बटोर ये सब कुछ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो वाकई मानों में खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं बहुत बड़ा कारनामा आप अंजाम दे रहे हैं बहुत बड़ी खिदमत आपकी है लेकिन वहीं ये बात भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने माते माते की जिम्मेदारी कबूल कर ली है आप जिम्मेदार हैं आपको रातों को नींद नहीं आनी चाहिए आपकी जिंदगी चैन से नहीं गुजरनी चाहिए घर में खाते हुए निवाला जब आपके मुंह की तरफ जाए तो याद आने चाहिए कि ऐसा ही निवाला मेरे माते तीन तक पहुंचना चाहिए उमर रदी अल्लाह तला की सीरत किस लिए हमने पढ़ी पढ़ाई है ऐसे ही मातहतों के अपने मसाइल की फिक्र करने के लिए आपके पास तावील होगी आपके पास अपनी अपनी तोजीहात होंगी वो तोजीहात अपने पास रखें लेकिन हकदार को उसका हक दें होना तो चाहिए कि आप एहसान के दर्जे पर जाएं, लेकिन अगर आप एहसान के दर्जे तक नहीं तो कम अज कम अदल के दर्जे में आए और अदल का दर्जा यह है कि उनका जो हक बनता है वो दें और यहां मैं ये बात भी बताना चाहता हूं अगर वाकई मानों में मुश्किल आपके पास है तो यह सूरत मुमकिन है कि आप सारे अस्तिदा के सामने वाकई अगर है और ये बात अल्लाह और आपके दरमियान होगी कि आपके पास तंगी है तो आप एक मसला यूं रखें दो सूरतें या तो उनको राजी करवा लें अपने माते तीन को कि हम आपकी आधी तनख्वाह देंगे इतनी तनख्वाह देंगे इतना रुपया देंगे बकिया आधा इदारे के साथ ताउन के बाब में आप मुआफ कर दें अगर वो लोग माफ कर देते हैं बाहम रजामंदी के जरिए शरीयत इसकी इजाजत देती है लेकिन रजामंदी होनी चाहिए सदर साहब का सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है समझदारी के साथ बाहम तफाहम के साथ यह मामला हल होना चाहिए एक गुंजाइश ये निकलती है और दूसरी गुंजाइश यह कि आप यह साफ करें कि पूरी तनख्वाह या आधी तनख्वाह जो भी अब हम नहीं दे पा रहे हैं हम कोशिश करके यह कर्ज होगा इदारे पर आपका हम कोशिश करके इसे आइंदा अदा करेंगे यह आपको जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी इसलिए कि आपने उनको उजरत पे रखा है अब यह पहली गुजारिश मैंने आपसे की जाहिर बात है सारा बोझ सिर्फ आपके कंधों पर नहीं डाला जा सकता इसलिए मैं इस मौजू को शुरुआत ही से यह कहते हुए ला रहा हूं कि यह जो इंतजामिया है ये कुल की कुल जिम्मेदार नहीं असल में कौमो मिल्लत इसके जिम्मेदार है कौमो मिल्लत इसके जिम्मेदार हैं। कौमो मिल्लत की नीयत की कौमो मिल्लत की नियाबत करते हुए आप अपनी तरफ से उनको दे रहे हैं तो फिर अब यहां एक मसला आता है मैं ये बात गुजारिश के तौर पर दूसरे नंबर पर कहना चाहूंगा मिल्लत के हमारे अहल खैर हजरात से मदारिस से इस्लामिया इस मुल्क के अंदर मुसलमानों के दिनों ईमान की हिफाजत के सिलसिले में क्या किरदार माजी में अदा कर चुके हैं आइंदा अदा करना है ये सूरत हाल आपको बखूबी पता है अगर नहीं पता है तो कभी बैठ कर आप जानकारों के साथ बैठकर मालूम कर लें कि इस उम्मत को हिंदुस्तान के अंदर इस मुल्क के अंदर मदारिस की कितनी शदीद जरूरत है और वहीं से आपको अंदाजा होगा कि ये फटे पुराने बोरिए पर बैठकर पढ़ाने वाले अस्तदा कौम मिल्लत के कितने बड़े खादिम हैं और कितनी बड़ी कुर्बानी देकर ये लोग पढ़ा रहे हैं अगर आपको इसका एहसास होता है तो आप आगे बढ़कर आइए और इस इंतजामिया कमेटी के दस्तोबाजू बनिए इनके दस्तों बाजू बनिए आइए राबीता कीजिए बहुत आसान है लंबी चौड़ी बंदी की जरूरत नहीं कोई मुल्की सतह का फंड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं अपने दाएं बाएं अपने अपने, अपने इलाके में देख लें मुल्क के बड़े जो इदारे हैं उनको देख लें मालूम करें कहां तनख्वाहें मिली कहां नहीं मिली कहां आधी मिली रबीता करें क्या मसला है क्यों तनख्वाह नहीं दी जा रही अगर तनख्वाहों की कमी है तो निकालिए किस दिन के लिए आपने माल जखीरा करके रखा है किस दिन के लिए आपने जायदादें बना के रखी है किस दिन के लिए आपने सोना चांदी जखीरा करके रखा है कौम मिल्लत के इन इजमाही कामों में अगर आज ये पैसा काम नहीं आएगा तो कल अल्लाह ना करे दिनो ईमान लुट जाएगा तो यह पैसा किस काम आएगा ये मदारस अगर बंद होने लगे ये अच्छे से महरूम होने लगे ये मसाजिद अगर अच्छे आइम और खुतबा और वाइजीन और मुबलिगिन से महरूम होने लगे ये इदारे अगर अच्छे खुदाम अच्छे मुखलिस खिदमतगारों से महरूम होने लगे तो कौमत का कितना बड़ा खसारा होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं इसमें तफसील में जाऊं लेकिन अहल खैरहदरात को यह दावत देना चाहता हूं कि बढ़ो आगे बढ़कर थामो संभालो इन मदारी इन मदारीदा को इन मस्जिदों को मस्जिदों के इमा को आप कमेटियों से रता करें कमेटी के जिम्मेदारों से रता करें मालूम करें कि इस महीने इमाम की तनख्वाह गई कितने महीनों से इमाम की तनख्वाह रुकी हुई क्यों रुकी हुई है हम अपनी जेब से देंगे हम अपनी जेब से देंगे क्यों नहीं देंगे क्या वो इमाम हमारी नमाजें नहीं पढ़ाता क्या वो मुअज्जिन हमें अजान देकर मस्जिद को नमाज की तरफ नहीं बुलाता क्या ये मस्जिदों के खुद्दाम हमारी खातिर मस्जिदों को उसकी सफाई नहीं करते क्या ये मदरसे के उन बच्चों को अपना खून जला कर नहीं पढ़ाते क्या ये इसादा दीन नहीं सिखाते जो जिनके पास पढ़ने वाले तलब आपकी मस्जिदों में और आपके घरों तक पहुंचकर आपके बच्चों को पढ़ाते ये क्या सूरत हाल है कि हम अपने मोहसिनों के साथ उनके हक देने का भी मामला कर ना कर पाएं तो हमसे ज्यादा मैं क्या लफ्ज कहूँ कौन हो सकते हैं मेरी दरखास्त है आपसे फिक्र करें अपनी मिल्लत की इन असाति की इन इम्मा की फिक्र करें सूरत हाल बहुत बुरी है यकीन माने बहुत बुरी है इनमें की एक बड़ी तादाद ऐसी है मैं आपको बताना चाहता हूं हम तक लोग बातें पहुंचाते हम सारी बातें आपको सुना नहीं सकते हम आपको आप उनका पता देकर बता नहीं सकते फुला है फुला है। लेकिन आपको सूरत हाल तो बता सकते हैं ऐसा भी हुआ है कि लॉकडाउन की शुरुआत में बाज मसाजिद या बाज मदारिस के अस्ता ने अपने बल पर अपने इलाके में खुद अपना पैसा भी थोड़ा बहुत जो जब जखीरा किया था वो लगाया लोगों को इकट्ठा करके इलाके मोहल्ले के ज़रूरतमंदों की मदद की और आज ये सूरत हाल है वो खुद जरूरतमंद है लेकिन मुंह खोलकर किसी से पूछ नहीं पा रहे ये हम देख रहे हैं ये और हम आपको दिखा रहे हैं जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने कानों से सुन रहे हैं अपनी जबान से आप तक पहुंचा रहे हैं अल्लाह के लिए इनकी फिक्र कीजिए और मिल्लत के जिम्मेदारों को मैं बताना चाहता हूं कि बाजिल खैर को अल्लाह तला ने तोफ़ीक दी उन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है कि अपने इलाके के अतरा को अपना के चाहे वो मकतब हो मसाजिद के आइमां हो बड़े इधारों से मुतालिक ये छोटे इधारों से मुतालिक असाथा हो अगर उनकी तनख्वाह बंद है उन्होंने अपने तौर पर यह कर लिया है कि मैं अपनी तीन हजार रुपया दे दूंगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होगा मेरी तरफ से माहाना दो हजार या तीन हजार रुपया दे दूंगा ऐसे पांच से दस लोग क्या पूरी बस्ती में नहीं निकल सकते एक इमाम के लिए एक मोजिम के लिए क्या किसी एक इदारे के अतराफो अकनाफ के पांच सात शहर मिलकर उस इदारे के साथ की तनख्वा की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते सिर्फ तालमेल की कमी है जिम्मेदार शायद आप तक ना पहुंच पाए या वो पहुंचने के सिलसिले में हो सकता है कोताही कर रहे हो लेकिन आप जिम्मेदारों तक पहुंच सकते हैं इसलिए कि वो दरमियान में हैं मामला इन असातिदा और उलमा का सीधे समाज से जुड़ा है समाज अगर इनसे आगे बढ़कर इनके मसाइल को संभालने की फिक्र नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा और एक बात मैं उन अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं आप जिस मदरसे से पढ़कर फारिग हुए हैं जिस भी इदारे से आप फारिग हुए आपको पता है आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने अक्सर बेशर हो सकता है रोजी रोटी उसी मदरसे की तालीम को अल्लाह ताला ने आपका जरिए माश बनाया होगा आज वो इदारा माली एतबार से बदहाली का शिकार हो रहा है जो असातिधा, आपके अस्ति की जगह पर बैठे और उन तलबा को पढ़ा रहे हैं, जिन तलबा की जगह कभी आप बैठा करते थे आज अगर वो परेशान हैं तो क्या ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने अपने इदारों के ताल्लुक से सोचें कि हम अपने अपने इदारों को अपने पैसे से या अपने जो मुत्लकिन हैं उनकी तरफ से बराह रास्त इदारे को तान करेंगे आप चंदा ना करें इदारे के जिम्मेदार आपको इजाजत नहीं देते कि हर आदमी इदारे के नाम पर अपने तौर पर चंदा करे लेकिन इसकी तो इजाजत होगी कि इदारे के अकाउंट पर आप घर बैठे अपने मोबाइल से पैसा भेज सकते हैं दस अपने खैर खाहों से बात करके ताउन करवा सकते हैं करवाइए कि ये वही करने का काम हंगामी सतह पर करने का काम है अबनाए कदीम की मुख्तलिफ इधारों के अबनाए कदीम की कमेटियां बनी हुई हर इलाके से लोग अगर फिक्र करेंगे अपने अपने इदारों को इस्तेमाल दिला सकते हैं माली मदद उसको दे सकते हैं इसकी फिक्र करें और वैसे ही जिन मसाजिद के आप मुसली जिन मसाजिद के आप मुसली हैं उन मसाजिद के अमा और मोज़िनी इनकी फिक्र कीजिए मालूम कीजिए क्या हुआ तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली उनकी जरूरतें पूरी हो रही कि नहीं हो रही क्या हो जाएगा अगर एक आदमी दो मोटा चावल पहुँचा दे एक आदमी दावल दाल पहुँचा दे ये इस माने में ताउन में कह रहा हूं ये कोई सदका और खैरात की बात नहीं तनख्वाह का जो दर्जा उनका अपना उनकी अपनी मेहनत की जो रोटी है पसीने की कमाई है वो दिलाने की मैं पहले नंबर पे बात कर रहा हूं उनके चावल के बराबर आप अगर तन, उनकी तनख्वाह का इंतजाम कर दें कोई आदमी कहे इमाम साहब की तनख्वाह अगर दस हजार है लॉकडाउन खत्म होने तक एक हजार मेरा एक हजार मेरा पांच सौ मेरा पांच सौ मेरा कमेटी वालों के साथ तालमेल करके अगर आप करें बिल्कुल कर सकते हैं आप कोई बड़ा मामला नहीं मैं ये मसला आपके सामने लेकर आया हूं और यकीन माने जैसे मैंने कहा बहुत सारे पहलू थे बहुत सारी बातें थी बहुत सारे इसमें इस, इस मसाइल इससे जुड़े हुए थे इनमें बहुत सारी बातें हो सकता है जज्बात में आकर कहीं तलख भी मैंने कह दी होंगी लेकिन यकीन माने कि दिल उन सूरत हाल को देखकर परेशान है मदारिस और मदारिस की परेशानियां ये सब चीजें जहन में हैं, बल्कि आप हजरात जानते अहले मदारिस से मेरी यह गुजारिश है कि रमजान की इब्तिदा या रमजान से पहले मैंने अहले मदारिस के चंदे के सिलसिले में भी अपील की थी जब मैंने उनके चंदे के सिलसिले में अपील की है तो आज अस्तदा और मसाजिद के अइमा का जब मसला है तो शायद मेरा हक़ बनता है कि यह आवाज़ भी मैं कौम कौमत के लोगों तक पहुँचाऊँ मुझे उम्मीद है कि मेरी किसी बात को आप किसी गलत माने में नहीं लेंगे सारे इदारे हमारे इदारे सारे इदारों के असातिदा, हमारे अतिदा या हमारे इस के दर्जे में हैं और सारे इदारों में पढ़ने वाले तलबा हमारे अपने भाई हैं कोशिश ये करें कि आज अगर इन इदारों को संभाला नहीं गया तो क्या होगा कम से कम यह होगा कि किसा के दिल खट्टे हो जाएंगे इमाम का दिल खट्टा हो जाएगा तो उनकी कारकर्दगी भी मुतासर होती है तो यह भी इधारों का नुकसान और बिलवास्ता तौर पर ये हमारी पूरे समाज का नुकसान है पूरी सोसाइटी का नुकसान है इसलिए जिम्मेदार हजरा सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आप इसके मुकल्लफ नहीं कि चंदा आया तो दूंगा नहीं आया तो नहीं दूंगा आप इसके जिम्मेदार नहीं आपने जो जिम्मेदारी है उसका मतलब यह है कि चाहे कुछ हो मैं इनकी तनख्वाह फराहम करने का मुकल्लफ हूं आपको अंत तक मेहनत करनी चाहिए आपकी इंतहा दर्जे तक की कोशिश के बाद अगर नहीं होता है तब फिर आप कह सकते हैं मैंने अपनी हतल मकदूर कोशिश की है दूसरे नंबर पर कौमो मिल्लत के अफराद को यह समझना चाहिए आपने मदरसों को जिम्मेदारों के हवाले कर दिया मस्जिदों को कमेटी के हवाले कर दिया तो भूल नहीं जाना है इस मुश्किल वक्त में आपको अगर आज तक अंदाजा नहीं था तो आज तो कम से कम आप तक आवाज ये पहुंच रही है आप आगे बढ़कर आए संभालें इन मदारिस को और उसके साथ जो अपनाए कदीम के फारिगीन हैं या मसाजिद के मुसली हजरात हैं ताजर हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर आप अपना किरदार अदा करें आप थोड़ा करेंगे थोड़े से थोड़ा होगा फिर पूरा होगा और यकीन माने इतनी यकीन के साथ जितनी उम्र हमने गुजारी है और उस उम्र में जो हमने देखा है ये हमारा यकीन है कि अल्लाह के फदलो करम से कौमत के पास इतनी सकत इस माशी मार के बावजूद भी अभी भी इतनी सकत है कि वह मदारस और मसाजिद को तो आसानी के साथ संभाल सकते अंदाजा है बहुत सारे लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे बहुत सारे कारोबारियों को चालीस फीसद भी कारोबार नहीं रह गया है बहुत सारे लोगों के पास तो सूरत हाल ऐसी है कि उनकी अपनी रोजी रोटी की मुश्किल लेकिन वहीं ये भी एक सच्चाई है कि अभी सूरत हाल इस कदर ज़्यादा नहीं बिगड़ी है कि वह कौम की फिक्र में सब मिलकर अगर इस मसले को हल करना चाहें तो ना हल कर सकें ऐसी सूरत हाल तो इस उम्मत की अभी इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं है इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप और हम बाहम मिलकर इन मदारस को मदारस के संभालने को की कोशिश करें ये याद रखें बहुत सारे आईम खुद शर्मा कर बहुत सारे असादा खुद शर्म के मारे मुंह खोल कर आप तक अपनी बात नहीं रख पाते मसाजिद की इंतजामिया कमेटी या मदारिस की इंतजामिया की तरफ से एक तरह की पाबंदी है कि आप अपनी मुश्किल बाहर ना रखें कि इदारा बदनाम हो जाएगा मस्जिद बदनाम हो जाएगी लेकिन खामोशी से काम करने वालों के लिए जरूरतमंदों को पहचान कर मदद करना कोई मुश्किल नहीं है ढंडोरा पीटना जरूरी नहीं है आप चुपके से भी जरूरतमंद इस मदारस को देख उनका हक दीजिए मैं आज भी फिर दोहरा रहा हूं यह मेरी आवाज खैरात जकत देकर मदद कीजिए वाली आवाज नहीं गरीबों की मदद कीजिए वाली आवाज नहीं ये कोई ऐसी आवाज नहीं कि फकीरों की मदद कीजिए बात हो रही है जिन्होंने अपने आप को खिदमत के लिए वफ किया जिसके बदले में कौम की नियाबत करते हुए कमेटियों ने उनसे वादा किया है कि माहाना आपकी इस अरतबात जुड़े रहने के नतीजे में तनख्वाह देंगे ये उनका हक़ बनता है वो हक़ देने की आवाज़ में दे रहा हूँ अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ समझकर उनको अदा करने की तोहफ़ी क़ता फरमाएं और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा मैंने जिन जिन से खिताब किया है अगर किसी को भी मेरे अल्फाज से तकलीफ़ पहुँची है तो मैं उनसे खुले अल्फाज में माफी मांग लूँगा लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इन अल्फाज के पीछे जो मकसद है अगर उस मकसद को समझ कर हम उसे संभालने के तरफ़ बढ़ जाएंगे तो फिर शायद शिकायतें कम होंगी मसाइल हल जल्दी होंगे अल्लाह हम और आप को ऐसे ही मसाइल को समझ कर हल करने वाला बनाए आमीन व आखिर दावान अलहमदिल्लाबीन